ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, उल्टा लेटना हमारे फेफड़ों के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि जब से कोरोना काल चला है तब से उल्टे लेटने की बात भी आई है, क्योंकि डॉक्टरों ने बताया है कि भाई उल्टे लेटने से आपके फेफड़े थोड़े खुलेंगे, जिससे आपको सांस लेने में आसानी होगी और आपकी ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति में आपकी सहायता होगी। हमने हमारी प्लेलिस्ट स्वास्थ्य नियम में पहले भी वीडियो दिया है कि उल्टे लेटने से क्या नुकसान होते हैं, पर जब आपको ऐसी स्थिति में उल्टा लेटने की स्थिति बन गई है तो आपको क्या सावधानियाँ रखनी, क्योंकि जब आप सावधानियाँ नहीं रखते हैं मित्रों, वही जो आप समाधान चाहते हैं वही समस्या बढ़ा भी देती है। इसलिए पहले सावधानियों को समझ लें ताकि आप समस्या में ना फंसे। अब मित्रों, आपको इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पहली प्लेलिस्ट कोरोना वायरस की जंग जीत लेंगे संग दी है, जिसमें हमने आप यदि कोरोना वायरस की दवा खा चुके, इंजेक्शन वगैरह ले चुके और जो साइड इफेक्ट्स आपको हो रहे हैं, यदि कोरोना नहीं हुआ तो आपको यदि होने से बचना है तो आप उस वीडियो को देखिए, कोरोना क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या आगे बढ़ा, आपको इतनी सारी तकलीफें क्यों आ गई, हमने सारे वीडियो विस्तार से बताए। उसके बाद हमने दूसरी दवा मुक्ति की। मित्रों, हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, यानी कि आपको बिना दवाइयों के ही हर रोग का समाधान मिल सके, क्योंकि दवाइयां बहुत सारी खा चुके हैं, समाधान नहीं मिला। और उसके आगे हमने जो वीडियोस दिए वो निर्देशों के पालन के दिए, जिसमें स्वास्थ्य नियम विशेष है। यदि आप हमारे स्वास्थ्य नियम का ही पालन करना शुरू कर देते हैं ना मित्रों, तो आपकी नाक से सांस चलने में आपको काफी सुविधा होगी। हम उसमें बताते हैं नाक में तेल क्यों डालना है, कैसे डालना, भोजन कैसे करना, कब करना, और पेट साफ करने के लिए आप पानी कैसे पिए, नॉर्मली पानी आपको कैसे पीना चाहिए, क्योंकि पेट साफ ना होना बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए जब आपका पेट साफ होगा और उस स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करने से आपका कचरा निकल जाएगा, आपकी नाक से सांस चलेगी, जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छी सहायता करेगा। तो दूसरी बार बोलूं, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट के वीडियो देखिएगा और उसका पालन करना, उसके साथ यदि आप हमारे निर्देशों को ध्यान से सुनते हैं तो सारा समाधान होता है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, आज की समस्या पे आते हैं कि यदि आपको उल्टा लेटने की नौबत आ रही है तो आपको कैसे लेटना, क्या सावधानियां रखनी है ताकि आपको समस्या ना आए। अब हमने पहले भी आपको बताया था उल्टे लेटने से बहुत कुछ गड़बड़ होती है, उसको अभी भी हम छोड़ देते हैं, पर अभी आपको उल्टा लेटना ही पड़ रहा है। आपने जैसे तकिया रख लिया है और उसके बाद आप जब उल्टे लेटते हो, आपको जो बताया जाता है, मैं वो बता रही हूं आपको कि क्या बताया जाता है आपको उल्टा लेटना कैसे। आपको उल्टा थोड़ा ऐसे, थोड़ा हाँ थोड़ा पीछे जाएगा ये वाला आपका, और आपको थोड़ा सा ऐसे करके लेटना होता है। यहाँ आप तकिया भी लगा सकते हैं, कुशन लगा सकते हैं, जो आपको लगाते बने, पैर के नीचे कुछ रख लीजिए, ऐसा आपको बताया जाता है। अब जो विधि है वो आपको पता है, मैं उस पर विस्तार से नहीं जा रही हूँ, पर कभी कभी यदि आप ऐसे लेट के, मैं आपको बता दूँ, यदि आप सो जाते हैं, यहाँ आप ऐसे लेटे लेटे सो जाते हैं, नॉर्मली आपकी सांस नाक से नहीं चलती है, और ऐसी स्थिति में जब आप ऐसे सो जाएंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि आपकी नाक से सांस बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। जी हाँ, आपका तुरंत ही आपने नोटिस किया हो या आपने किसी को सोते देखा हो तो क्या होता है, मुंह खुल जाता है। अब जब मुंह खुल जाता है मित्रों, इससे समस्या क्या होती है कि आपकी सांस वापस नाक से ना चल के मुंह से चलती है, तो जो ऑक्सीजन की कमी आपके मुंह से सांस चलने की वजह से हो रही थी वो आपकी वैसी की वैसी बनी रहेगी, और हो सकता है दूसरे इन्फेक्शन भी आपको लग जाए, क्योंकि अभी आपकी स्थिति जो बन रही है ना, क्या है, आप अपने गद्दों को देखिए, आप जिस गद्दे पर लेटे हैं उसमें यदि आप थोड़ा सा ऐसे करते हैं आपके हाथ में धूल मिलेगी, आप ऐसे करते हैं आपके हाथ में धूल आ सकती है। मैंने बहुत सारे घरों के गद्दों में चीज़ें देखी हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, और वहीं तकिए में भी ये समस्या होती है, और तकिए किसी किसी के थोड़े हार्ड भी होते हैं, जो भी है, जहाँ भी समस्या है मित्रों, जो इसमें रुए होते हैं, इसमें जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो आपकी सांस के माध्यम से आपके पेट में जाते हैं। आप नोटिस करिए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करिए, अपने गद्दों को, अपने तकियों को धूप में सुखाइए। हमारा पुराना चलन है कि गद्दों को धूप में सुखा के उसको पीटा जाता था लकड़ी से, यदि आप लकड़ी से पीटते हैं तो आप देखेंगे आपके गद्दे में कितनी सारी धूल मिट्टी निकल रही, कितना सारा कुछ निकल रहा है। तो अब जब आप ऐसे लेटते हो, जब आप ऐसे लेटे हो ना, उस समय जो आपका मुंह खुल गया है, तो अब समझ लीजिए कि आपकी सांस कहां से आ रही है, आपकी गद्दे से जो आ रही है, कहीं से भी आ रही है, उसमें आपके धूल मिट्टी के कण कितने सारे आएंगे, और जो कपड़े में जो रुएं हैं वो कितने सारे आएंगे, क्योंकि कपड़े के रुएं तो निकलते ही रहते हैं, वो सारे छोटे छोटे रुएं आपको समझ में नहीं आएंगे। यदि आप धूप के सामने से रख के देखो तो आपको पता चलेगा हाँ कितने कण हो जाते हैं, तो सारे कण आपके अंदर जाएंगे जो आपके फेफड़ों को जाम करेंगे, क्योंकि आपकी नाक से सांस नहीं चल रही है, सांस आपके मुंह से चल रही है, तो गले में इन्फेक्शन करेगा, थायराइड बढ़ाएगा, साथ ही आपके गले में दर्द, चुभन, जलन, छाले और टॉन्सिल जैसी समस्या हो जाएगी। तो ये आपकी ये समस्या है इसके कारण से, और साथ ही किसी किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उनको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इसलिए आप इसमें सावधानी क्या रखें।
और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब आप ऐसे लेटते हैं आप गर्दन की स्थिति देखिए कैसी है, गर्दन कितनी टेढ़ी है, सो गए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको गर्दन का दर्द बढ़ सकता है, पूरी रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है, टेढ़ी मेढ़ी है तो सारी रीढ़ की हड्डी प्रभावित हो रही है जो आपके संपूर्ण शरीर में ठीक से सांस चलने में बाधा करेगी और साथ ही आपकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम क्रिएट, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको ऐसी स्थिति में लेट सकते हैं, जितनी देर आप जाग रहे हैं लेट सकते हैं, आपको सोना नहीं है ये ध्यान रखना। यदि आप ऐसे सो गए तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। और बाय द वे आपको लगता है कि भी हमें सोना है, नींद आ रही है, तो आप क्या करिए, आप ऐसे थोड़ा मोटा तकिए भी कर लेंगे चल जाएगा, क्योंकि और नहीं तो आपको जो गर्दन की साइज होती है ना बीच में यहाँ जो गैप होता है ना उतना आपको तकिया लेना होता है। एक्चुअली सही तरीका वो होता है, आपको मैं बता दूं कैसे करना है। ये मैंने हल्का सा लिया है तो ये जो आता है ना ये यहाँ से बराबर आ गया। अब ये मैंने जो ले लिया ना मित्रों, अब करवट से लेटना है। उसके बाद क्या करना है, दूसरा काम आप कर सकते हैं कि आप अपने सामने यहाँ पे आप एक पोटली बना के, जैसा कि हमने पहले हमारे कोरोना वायरस की जंग जीत लेंगे संग उसमें को ऑक्सीजन बढ़ाने की जो हमने वीडियोस दिए उसमें बताया कि आपको जो स्मेल अच्छी लगती है, यानी कि सिगरेट बीड़ी तंबाकू नहीं, शराब नहीं, जो स्मेल अच्छी है, जो रसोई में पदार्थ उपलब्ध है, जैसे अजवाइन है, ये अजवाइन के अलावा जो भी आपको मैं अभी नाम बोल रही हूँ, कपूर हमारे मंदिर में होता है पर कपूर देसी होना चाहिए, दालचीनी है, तेजपत्ता है, आपको जिसकी भी स्मेल अच्छी लगती है ना उसको यहाँ रखिए और उसको आप सूंघेंगे, लौंग वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है, पर गरम मसाला तैयार मत कर लीजिए। पर हाँ, आपको अलग अलग चीज़ें ऐसे रखनी है जो भी आपको अच्छा लगे, अजवाइन है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप ऐसे रख के आप उसको सूंघ सकते हैं। आप हाथ में मत रखिए, उसको पोटली बना के ले लीजिए और आप ऐसे रख के आप सो जाइए। आप सोएंगे, आपका नाक में तेल पड़ा होगा, तीसरी बार बोल रही हूँ, यदि नाक में आपने तेल डाला है तो अब आपका मुंह बंद होने में आपको आसानी होगी, सरलता होगी। इसलिए हमने पहले ही कहा था कि स्वास्थ्य नियम का आपको पूरा पालन करना है, चौथी बार बोल रही हूँ, तो आप यदि स्वास्थ्य नियम का पालन करें तो आपकी नाक से सांस चलेगी जिससे आपको आसानी होगी आपकी फेफड़ों को ऑक्सीजन पहुंचाने में। तो ये आपको समझना होगा और आप ऐसे रख के सो जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। पर ध्यान रखना है आपके पैर पे पैर होना चाहिए, लेटने का सही तरीका ये होता है मित्रों। पर आप ऐसे यदि भोजन करके एक दो घंटे बाद आप लेट रहे तो आप लेफ्ट करवट सोइए, यानी कि लेफ्ट साइड आपकी नीचे होनी चाहिए। मेरी लेफ्ट साइड है, अभी मैं राइट साइड लेटी हूँ और राइट साइड इसलिए लेटी हूँ क्योंकि मुझे हार्ट भी संभालना है ना, आपको भी हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि जब फेफड़े गड़बड़ होते हैं ना तो हार्ट की धड़कन काफ़ी ऊपर नीचे होती है, तो इसलिए आपको हार्ट को संभालना है। अभी आपका लीवर उतना नहीं संभाले क्योंकि भोजन करने के बाद लीवर को जगह दी जाती है, तो अभी हमें भोजन करने के देर में हमें लेटना है, तुरंत नहीं लेटना है, आपको सावधानी रखनी है। और भोजन करना है और उस नींद भी आ रही है तो बहुत हल्का भोजन करिए जी, आपको हैवी भोजन करने की ज़रूरत नहीं है। फल वगैरह आप खा सकते हैं, आप बहुत सारे फल खा सकते हैं, आपकी प्रकृति कैसी है, क्योंकि आपकी यदि कफ है तो आप कुछ फल नहीं खा सकते, पित्त है तो कुछ और फल नहीं खा सकते। और फल जो खा सकते हो ना मित्रों, क्या ध्यान रखना है, आपके आसपास मौसम का जो सस्ता फल मिलता है वो आपको खाना है, दूर से आया हुआ महंगा फल आपको नहीं खाना है, वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। आपके एरिया में होने वाला सस्ता फल ही आपके लिए सबसे अच्छा है, तो वो फल आप खाइए। और नहीं है तो आप सूप वगैरह पी लीजिए, किसी भी सब्जी को उबाल के उसमें थोड़ा पीस के उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़ा सा वो करके वो आप पियेंगे तो इससे क्या ना आपका पेट हल्का रहेगा, तो आप राइट करवट भी सो पाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बस ऐसे करके आप सो जाइए। और यदि आपको ये नीचा लग रहा है, थोड़ा ऊंचा चाहिए, तो मैं इसका एक तरीका और बता दूं। मैंने तो ऐसा करके दिखाया था, पहले भी दिखाया था कि आप ऐसे दो रख लीजिए और उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो है ना यहाँ को आराम से हाथ ऐसे रखते बनेगा या आपको पोटली रखती बनेगी, बस आप ऐसे पोटली रख के सो जाइए। तो इससे क्या ना आपको डायरेक्ट कण नहीं आएंगे, ये आपको सावधानी रखनी है यदि आप बचना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे हम तो फिर करवट बदल देते तो क्या करेंगे मित्रों, करवट बदलने के बाद दूसरी एक पर जब आप सोते हो ना तब आप यदि थोड़ी सावधानी बरतो ना तो उसका असर ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जिस मुद्रा में लेटते हैं जिस स्थिति में लेटते हैं हम वैसे ज़्यादा देर रह जाते हैं, इसलिए आपको ये सावधानी हमने बताई है। तो मित्रों आप यदि ये सावधानी रखते हैं ना तो आपको अपने बॉडी में ऑक्सीजन की कमी तो पूरी होगी ही और साथ ही उल्टे लेटने के नुकसान नहीं होंगे, क्योंकि उल्टे लेटने से कभी कभी पेट भी खराब हो जाता है। और सोना नहीं है, इतना ध्यान रखिए, उल्टा लेट के आपको सोना नहीं है, आप जाग रहे हैं उल्टे लेटे उतनी समस्या नहीं है, पर सोना बिल्कुल भी नहीं है, सोने में आपका मुंह खुल जाएगा जो आपको बहुत सारी समस्याएं दे सकता है। तो मित्रों हमने अपनी सावधानी पूरी बताई है, आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो आगे प्लेलिस्ट दी है, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम, एक्यूप्रेशर, मुद्रा, आसन सारी हमने दी हैं। उसके अलावा हमसे आप संपर्क कहाँ कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक भी दिया है और साथ ही हमने आपको बताया है कि आपको हमसे व्हाट्सएप पे कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कहीं भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, एक ही जगह प्रश्न करें क्योंकि उत्तर हमें ही देना है। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।